नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं एज इनफॉर्मा में। और दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो डोमेन नेम परचेज करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो वेबसाइट डेवलप करें। तो वेबसाइट डेवलपमेंट का अगर हेज करते हैं कि अच्छा एक बिजनेस पर्पस से, कमाने के पर्पस से, और चाहते हैं कि उससे कुछ अर्न कर सके, तो ऐसे में आपको कस्टम डोमेन लेना पड़ेगा। जैसे अभी ये वेबसाइट है techag.com, ये वेबसाइट कस्टम डोमेन है। और इस डोमेन को परचेज करने के लिए जैसे नेम का रजिस्ट्रेशन, जैसे कोई दुकान खोलते हैं तो नाम का रजिस्ट्रेशन होता है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां जा करके आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये तो जानते हैं। जमीन खरीद बिक्री करते हैं तो वहां पे जमीन का रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप जाते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में, वहां पे जमीन का रजिस्ट्रेशन करते हैं, कुछ चार्जेस देते हैं। तो डिपेंड करता है कि कितना परसेंट चार्ज लगता है, उसी के अनुसार दोस्तों यहाँ पे भी डोमेन नेम को परचेज करने के लिए आपको डोमेन नेम रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। जैसे सरकारी व्यवस्था में एक व्यवस्था है, लेकिन कंप्यूटर के दुनिया में, इंटरनेट के दुनिया में आपको अगर डोमेन नेम परचेज करना है तो बहुत सारे जो है कंपनी आपको डोमेन नेम अवेलेबल करवाएंगे, और अपने अपने प्राइस के अनुसार। तो आज मैं कुछ डोमेन नेम रजिस्ट्रार का जो वेबसाइट है, जो नाम है, वो सेलेक्ट किया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगेगी, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर ठोकिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली बात की, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो सबसे मेरा फेवरेट है वो है दोस्तों बिगरॉक। ये क्या है बिगरॉक, क्यों बता रहा हूँ कि अभी ये वीडियो देख रहे हैं हिंदी में, देख रहे हैं तो इंडियंस होंगे, मोस्टली इंडियंस होंगे। तो ऐसे में दोस्तों जो बिगरॉक है वो बहुत बढ़िया सपोर्ट करेगा हिंदी में। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको जो जो चीज़ नहीं मालूम होगा वो भी वहाँ पे सॉल्व कर देंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। तो मैक्सिमम जो मेरा सर्विस है शुरुआती दौर से तो वो बिगरॉक से है, और बिगरॉक से मैं बहुत सारे डोमेन परचेज किया हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों समय समय पर ऑफर रहता है, जैसे कभी 99 रुपीज़ में है .com मिल जाता है आपको, अभी जो है 399 रुपये है। तो खैर अलग अलग मैटर है, तो ऑफर देखते रहिएगा, ऑफर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरफेस बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको अगर मान लीजिए वेबसाइट को बनाने के लिए आपको डोमेन नेम के साथ होस्टिंग भी चाहिए, तो होस्टिंग के भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो मेनली यहाँ पे बिगरॉक पे जो है डोमेन का लोग परचेज डोमेन परचेज करने के लिए आते हैं, तो ये आप चूज कर सकते हैं। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन की बात करूं तो सेकेंड ऑप्शन दोस्तों बहुत ज़्यादा टीवी पे भी इसका एडवर्टाइज देखते होइएगा, वो है गोडैडी। गोडैडी के बारे में आप लोग मोस्टली देखे होइएगा, क्योंकि टीवी के जो एडवर्टाइजमेंट एरिया है वो भी ये कवर कर चुका है, और ये टीवी पे भी एडवर्टाइज देता है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे भी आप डोमेन नेम परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या खासियत है, अब देखिए यहाँ पे दोनों में डिफरेंस देखिए। यहाँ पे अभी डोमेन नेम जो है .com एक्सटेंशन जो है 399 रुपया प्लस स्टार लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी आपको जो है .com मिल रहा है 149 रुपया। हम कुछ टर्म एंड कंडीशन होंगे, 2 साल के लिए होगा या जो भी होगा, लेकिन आपको जो है यहाँ पे टॉप मोस्ट सस्ता मिलेगा। तो जब भी देखिए तो ऐसा नहीं है, देखिए कोई कंपनी में अंतर नहीं होता है, ओवरऑल आपको जो है डिस्काउंट में और सस्ता में चाहिए। तो ये सब नाम में बता देता हूँ ताकि जब भी कभी डोमेन नेम परचेज कीजिए तो ऐसे में देखिए कि कौन सा कंपनी जो है किस वेबसाइट पर आपको सस्ता में मिल जाता है, जहाँ सस्ता में मिले बस वहाँ परचेज कर लीजिए। तो यहाँ पे गोडेडी है, गोडेडी चूंकि यहाँ पे जो है सपोर्ट आपको इंग्लिश में लेना पड़ेगा, अगर हिंदी में शुरुआती दौर पे कर दें तो आप जो है बिगरॉक से ले सकते हैं, ताकि आपको हिंदी में सपोर्ट करके आपके प्रॉब्लम को, मोस्टली प्रॉब्लम जो है जिसके लिए आपको किसी को खोजना पड़ेगा वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। तो ये दोनों में दोस्तों बहुत कंपटीशन रहता है। तो ये दोनों तो हो गया, अब आगे गोडेडी के बाद है गूगल डोमेन। गूगल डोमेन, जी हाँ दोस्तों, यही गूगल, गूगल की मैं बात कर रहा हूँ। गूगल जो है इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, तो ये जो है डोमेन में प्रोवाइड कराती है, लेकिन इसका जो है थोड़ा चार्ज ज्यादा रहता है, बहुत सारे फैसिलिटी भी इनबिल्ट रहते हैं। तो मैं अभी ऑनेस्टली बोल देता हूँ, मैंने अभी गूगल से कभी भी डोमेन परचेज नहीं किया है, क्योंकि मैं शुरू में डोमेन परचेज जैसे ही करना चाहता था तो ऐसे में यहाँ पे रेट ज्यादा रहता था, प्राइस जो है हाई रहने के कारण मैं जो है डोमेन परचेज नहीं कर पाया था, और मैं जो है बहुत सस्ता मिल गया था हमको, 100 रुपीज में मिल गया था .com, तो इसलिए मैं बिगरॉक से ले लिया था। तो ये तो गूगल डोमेन की बात, अगर आप शुरुआती दौर में आपके पास पैसा है तो गूगल डोमेन ले सकते हैं, लेकिन पहले बोल देता हूँ कि सब में कोई अंतर नहीं, डिस्काउंट जहाँ पे मिलने वहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों नेमचीप।
नेमचीप जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, इंडिया में जो नहीं ज़्यादा फेमस है, लेकिन जो है फॉरेन में जो है या यूएसए में जो बहुत ज़्यादा फेमस है, और इवन इनफैक्ट कि बिग रॉक के पॉपुलरिटी से पहले या गोडैडी के पॉपुलरिटी पहले नेमचीप जो है ज़्यादा चलता था, और इसके बाद एक है name.com। तो ये जो है ज़्यादा मैं इसको नहीं देखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कस्टम कभी कभी कोई एक्सटेंशन रहता है, कोई कोई कंपनी जो है प्रीमियम एक्सटेंशन अपने पास रखते हैं, दूसरे के पास अवेलेबल नहीं रहता है। तो ऐसे में दोस्तों आपके पास जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, और मैं शुरुआती में अगर मैं कहूँ तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करने को कहूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा, इसके बाद गोडैडी करूँगा और इसके बाद गूगल करूँगा। ये दोनों को मैं उतना ज़्यादा अभी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों इससे जब काम चल जाता है और चल जाएगा, क्योंकि डोमेन नेम रजिस्टर करना है, इसके बाद ये जो है होस्टिंग जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लग सकता है, तो वहाँ पे जो है कैसे पैसा बचाया जा सकता है, कहाँ कहाँ पे बेनिफिट होगा, तो उसके बारे में कंपेयर करके आगे मैं बताऊँगा, लेकिन तभी बताऊँगा जब इस वीडियो पे जो है आप लोग का प्यार दिखेगा। तो और इसके लिए आपको करना पड़ेगा इस वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स करना पड़ेगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, या किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, या जो ब्लॉगिंग सीरीज है उसको कंटिन्यू रखा जाए या नहीं रखा जाए, ये सारी बातें जो है अगर आपके मन में कोई ओपिनियन होगा, कोई सजेशन होगा, तो प्लीज कमेंट्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।